गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक आर्म्स ऑनलाइन क्लासेज। टुडे वी स्टार्ट न्यू चैप्टर ड्रेनेज। ड्रेनेज के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ड्रेनेज सिस्टम है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। कहाँ पर? मोस्टली इंडिया के अंदर, ठीक है। तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। ड्रेनेज जिसको हम बोलते हैं अपवाह तंत्र, ठीक है। क्या बोलते हैं? अपवाह तंत्र। उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो ड्रेनेज है, इसका जो ड्रेनेज जो टर्म्स है, जो इसका मीन्स है वो क्या है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो देखो, द टर्म ड्रेनेज the term drainage describe the river system of the river system of an area. क्या मीन से इसका ये वर्णन करता है, ये बताता है किसके बारे में? रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। रिवर सिस्टम के बारे में, किसके? एक क्षेत्र विशेष के बारे में। तो रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया जो टर्म है उसको हम कह सकते हैं, किसके नाम से जान सकते हैं? ड्रेनेज के, मतलब अपवाह तंत्र के बारे में, हमें एक क्षेत्र विशेष के बारे में जो प्रवाहित होने वाला जो रिवर का जो जल है उसके बारे में, या फिर उस नदी के बारे में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। या फिर उस नदी के प्रवाह क्षेत्र को हम किसके नाम से? ड्रेनेज के नाम से, या अपवाह तंत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे हम बात करें कि ए लार्ज वाटर बॉडी सच एज लेक और ए सी। ए लार्ज, एक बड़ा जल का सोर्स, जैसे हम कह सकते हैं लेक, या फिर हम कहें सी, या फिर हम कहें ओशन, ठीक है। द एरिया ड्रेन बाई ए सिंगल रिवर सिस्टम, द एरिया ड्रेन बाई ए सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। वो किसके नाम से? बेसिन के नाम से। तो ड्रेनेज बेसिन किसको बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। ड्रेनेज बेसिन किसको बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। द एरिया ड्रेन बाई ए सिंगल रिवर, सिस्टम वह एरिया ड्रेन लाया जाता है किसके द्वारा? भाई ए सिंगल, एक अकेली रिवर के माध्यम से, या अकेली रिवर सिस्टम व्यवस्था के माध्यम से जो जल लाया जाता है उसको हम ड्रेनेज बेसिन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ड्रेनेज बेसिन किसको बोलते हैं? द एरिया ड्रेन बाई ए सिंगल रिवर सिस्टम, उसको हम बोलते हैं ड्रेन, या फिर ड्रेनेज बेसिन, ठीक है। अब आगे हम देखें तो इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज किसको बोलते हैं, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, अब हम बात करें किसकी? ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया की, इंडिया में किस प्रकार का ड्रेनेज सिस्टम है वो हमें देखने को मिलता है, या फिर हम मुस्लिम्स को कितने पार्टों में डिवाइड करते हैं, या फिर कितने पार्टों में हम डिवाइड करके यहाँ पर पढ़ते हैं इसको, या फिर कितने पार्टों में डिवाइड इसको किया गया है, उसके बारे में हम बात करेंगे।
तो सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, वह तंत्र किसका, इंडिया का, उसके बारे में हम देखते हैं। तो द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाई द ब्रॉड रिलीफ फीचर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अकॉर्डिंगली द इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इंटू मेजर ग्रुप्स। मेजर ग्रुप्स द हिमालयन रिवर्स, द हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स। तो हम बात करें ड्रेनेज सिस्टम इंडिया की, तो मोस्टली हमें दो मुख्य जो ग्रुप हैं उनमें देखने को मिलता है कहाँ का सिस्टम, कहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, इंडिया का। द इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इंटू टू मेजर ग्रुप्स, दो मुख्य ग्रुप्स देखने को मिलते हैं किसका, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया का। ठीक है, फर्स्ट है हिमालयन रिवर्स, फर्स्ट वो रिवर्स जो निकलती है कहां से, हिमालय से, तो एक ग्रुप तो वो बना दिया गया। ठीक है, सेकंड कौन सा है, वो है पेनिनसुलर रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां, ठीक है, तो हम मोस्टली इसको दो पार्टों में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो रिवर्स है इंडिया के अंदर वो दो ही क्षेत्रों से प्रवाहित होते हैं हमें, या उनका उद्गम क्षेत्र है वो दो ही क्षेत्रों से हमें देखने को मिलता है। वो कौन कौन सा है, पहला है वो हिमालयन क्षेत्र, ठीक है, मोस्टली जो रिवर्स है इंडिया की वो कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है। ठीक है, इसके अलावा जो अन्य जो रिवर्स हैं वो कहाँ से हमें निकलती है या फिर उनका उद्गम क्षेत्र हमें देखने को मिलता है, कहाँ से देखने को मिलता है, वो पेनिनसुलर जो प्रायद्वीप के जो क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ से उनका उद्गम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद में हम आगे देखें तो हिमालयन रिवर्स जो मेजर है, तो मुख्य बड़ी नदियाँ हैं वो कौन सी हैं, और इसके बाद में हम आगे बात करें किसकी, जो पेनिनसुलर मुख्य रिवर्स हैं वो कौन सी, उनके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द टू मेजर रीजन्स ऑफ इंडिया, द हिमालयन एंड द पेनिनसुलर रिवर आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वे, और दोनों ही क्षेत्रों से निकलने वाले जो रिवर्स हैं कौन कौन से, हिमालय से, और साथ में जो पेनिनसुलर क्षेत्र से निकलने वाले रिवर्स है, दोनों के अंदर में बहुत बड़ा डिफरेंस है वो भी देखने को मिलता है। वो डिफरेंस कैसा देखने को मिलता है उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, वो डिफरेंस ये है, मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर परनेनियल, मोस्टली जो रिवर्स है कौन सी, हिमालयन क्षेत्र से निकलने वाली जो नदियां वो कैसी हैं, परनेनियल है, मतलब बारहमासी है, मतलब लगातार पूरे वर्ष भर प्रवाहित होने वाली रिवर्स है। तो पहली इसकी विशेषता क्या है, इसके बाद में हम अलग से इनको देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसके पहले थोड़ा सा समझ ले, देख ले इनको, आगे पढ़ ले। इट मीन्स दैट दे, इसका मतलब, परनेलियल मतलब, इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर्स, मतलब इसका मीन्स क्या है,
कि ये जो रिवर्स हैं, ये जो नदियाँ हैं, वर्ष भर क्या रखती है, जल रखती है। मतलब है, कुछ समय के लिए इनमें जल नहीं रहता, पूरे 12 महीने में जल वो बना रहता है। इसके बाद में हम आगे देखें, दीज रिवर्स रिसीव वाटर फ्रॉम रेन एज वेल एज फ्रॉम मेल्टेड स्नो फ्रॉम द लोफ्टी माउंटेन्स। ये मोस्टली वर्षा जल के साथ साथ में जो इनसे जो ये हिमालय से निकलने वाले जो रिवर्स है वो जल किनसे प्राप्त करती है, वो जल प्राप्त करती है जो स्नो मेल्टेड मतलब जो बर्फ है वो पिघलती रहती है, उसका जल भी इनको प्राप्त होता रहता है। मतलब वर्षा जल के साथ साथ में जो बर्फ पिघलती रहती है उनका जल भी इन नदियों को प्राप्त होता है, जिसके कारण ये नदियाँ 12 महीने या फिर परनिर्णय रिवर्स के नाम से जानी जाती है, मतलब 12 मासी रिवर के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इसके बाद में हम आगे देखें, द टू मेजर हिमालयन रिवर्स द सिंधु एंड ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ माउंटेन रेंज। और मुख्यतः दो रिवर्स के नाम बताए गए हैं जो प्रवाहित होती है कहाँ से, हिमालय से। ठीक है, जिनका उद्गम क्षेत्र है वो माउंटेन, जो हिमालय है माउंटेन है उसके नॉर्थन पार्ट से माना गया उद्गम होता है, और वो रिवर्स है सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो मुख्य बड़ी नदियां हैं, जो 12 मासी नदियां हैं। ठीक है, दे हैव कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग गार्डेज, और उनके द्वारा बड़े बड़े जो गार्ड्स हैं उनका निर्माण भी कर दिया गया इनमें, इन इस माउंटेन्स में मतलब पहाड़ों में भी क्या कर दिया गया, जो तंग रास्ता वो उनका निर्माण इस जल के माध्यम से कर दिया गया, क्योंकि लगातार उस क्षेत्र में जो जल है वो बहता रहता है, जिसके कारण धीरे धीरे उसमें वहाँ पर हमें कटाव देखने को मिलता है, और आज एक बड़ा घाट है उसका निर्माण वहाँ पर हो चुका है। द हिमालयन रिवर हैव लॉन्ग कर्स फ्रॉम देयर सोर्स ऑफ द सी, दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी इन देयर अपर कर्सेज एंड कैरी ह्यूज लोड्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड। सबको पता है क्योंकि बड़ी मात्रा में जल होगा इनमें, क्यों होगा, क्योंकि साथ में बर्फ जो बर्फ है वो भी गलती रहती है, और साथ में वर्षा जल वो भी प्राप्त होता रहा, जिसके कारण ये बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, लोड सब अपने साथ में ले जाते हैं, मतलब सिल्ट सैंड छोटे कंकड़ पत्थर है या फिर मिट्टी जिसको हम कह सकते हैं वो अपने साथ में ले जाते हैं। इन द मिडल एंड द लोअर कर्सेज दीज रिवर्स फ्रॉम मेंडर्स ऑक्सबो लेक्स एंड मेनी अदर डिपोजिशनल फीचर्स इन द फ्लड प्लेन्स, और मध्य पार्ट में ये अनेक जो क्षेत्र है उनका निर्माण इनके माध्यम से करवाया जाता है या फिर किया जाता है। ठीक है, जैसे ऑक्सबो लेक गहरा खड्डा हो गया, उसमें जल इनका रुक गया, वो क्या हो गया, ऑक्सबो लेक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखें तो एक बड़ा पार्ट है किसका, पेनिनसुलर रिवर्स का, वो मोस्टली हमें देखने को मिलता है किस कैसा, सीजनल, मतलब वो होता है केवल मौसमी रिवर्स के नाम से जाना जाता है। मतलब वो रिवर्स हैं जो केवल कुछ फिक्स निश्चित समय के अंदर ही प्रवाहित होती है, उसके बाद में विलुप्त हो जाती है, अगले वर्ष फिर से उसी मौसम में उसी सीजन में उनका जल वो हमें देखने को मिलता है। मतलब ये कैसी होती है, सीजनल होती है, साथ में ये कम्प्लीटली डिपेंड होती है, निर्भर होती है किस पर, रेनफॉल बरसात पर, कौन सी, जो पेनिनसुलर रिवर्स है वो। ठीक है, इसके बाद में ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इवन द लार्ज रिवर हैव रिड्यूस फ्लो ऑफ वाटर इन द देयर कैनल्स, द पेनिनसुलर रिवर हैव शॉर्टर एंड स्लोअर कर्सेज एज कम्पेयर टू देयर हिमालयन काउंटरपार्ट। इनका क्षेत्र और साथ में इनमें जल भी किसकी तुलना में, जो हिमालयन रिवर्स है उनकी तुलना में कम होता है, किनमें, पेनिनसुलर रिवर्स में। ठीक है, इसके बाद में हम आगे वो डिफरेंस देखें तो इनमें मोस्टली हमें देखने को, मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर, मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट्स। मोस्टली जो रिवर्स है किसकी, पेनिनसुलर इंडिया की ओरिजिनेट, उनका उद्गम है वो मोस्टली कहां से होता है, वेस्टर्न घाट से, एंड फ्लो, और वो प्रवाहित होती है मोस्टली कौन सी नदियाँ, प्रायद्वीप पठार से जो प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं, जो बहने वाली नदियाँ हैं वो किसकी ओर, बे ऑफ बंगाल की ओर ही प्रवाहित होती है। ठीक है, मोस्टली सभी की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, मोस्टली रिवर्स किसकी ओर प्रवाहित होती है, बंगाल की खाड़ी की ओर
प्रवाहित होती है, मतलब बंगाली खाड़ी में अपना जल है वो छोड़ती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इनमें क्या देखा, दोनों में कंपेयर देखा, और वो कंपेयर हम देखते हैं अलग अलग किस प्रकार से। थोड़ा बोर्ड पर राइट कर देता हूँ, आपको ध्यान में रखना। एक तो गई हिमालयन टिम्बर्स, ठीक है, उसके बाद में दूसरी तरफ हो गई दूसरी तरफ हो गई पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर परनेबियल। पहली विशेषता, ये कैसी रिवर है, परनेबियल है। पहली विशेषता ये परनेबियल रिवर बारामासी है, ठीक है। सेकेंड, दीज रिवर्स These river receive water from rain as well as from melted snow from the lofty mountains The lofty mountains. Lofty mountains. इसके अलावा एग्जाम्पल की बात करें कि कौन सी परनेबियल है और बड़ी मात्रा में वो जल प्राप्त भी करती है किनसे, वर्षा साथ में जो स्नो, ठीक है, रेन और स्नो, ठीक है। तो मुख्य रिवर्स यहाँ की बात करें तो कौन से एग्जांपल के लिए हम बात करें तो सिंधु एंड ब्रह्मपुत्र मुख्य
टू मेजर हिमालयन रिवर्स द सिंधु एंड द ब्रह्मपुत्र एंड द ब्रह्मपुत्र originates from the north of the mountain range क्या देखा इसमें? पहली विशेषता इसकी बारहमासी, ठीक है। सेकंड, इनको जल प्राप्त होता है मोस्टली रेन से, और स्नो मतलब बर्फ से, क्योंकि हिमालय किससे ढका हुआ है? बर्फ से ढका, ठीक है। मुख्य एग्जांपल सिंधु और ब्रह्मपुत्र, जो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंज, जो तुर्की जो श्रृंखलाएं हैं किसकी? हिमालय की, वहां से ही प्रवाहित होती है। अब इसके जस्ट अपोजिट में बात करें इसकी परेनियल रिवर्स की, तो पहली आपको इसमें क्या ध्यान रखनी है, पहली जो इसकी विशेषता वो क्या ध्यान में रखनी है, वो ये ध्यान में रखनी है कैसी है? सीजनल, ये बारहमासी, ये सीजनल मौसमी, मतलब वर्ष भर बहने वाली नहीं है। ये सीजनल रिवर है पहली इसकी विशेषता, ठीक है। दूसरी इसकी विशेषता कि डिपेंड ऑन डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, ये कंप्लीटली डिपेंड निर्भर रहती है किस पर? बरसात पर। दूसरी इसकी विशेषता ये हो गई, ठीक है। इसके अलावा आगे हम बात करें, ये थोड़ी लंबाई की अपेक्षा, इनकी कंपेयर में पेनिनसुलर की अपेक्षा में बड़ी होती है, कौन सी? हिमालयन। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें पेनिनसुलर रिवर हैव शॉर्टर एंड शैलोर Some of the originate of the central highlands and flow towards the west. Can you identify such to such? Most of the rivers of peninsular India originate in the western ghats. इसमें ये पॉइंट छूट गया, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है, इनकी कंपेयर में क्या होती है? छोटी होती है, ठीक है। The peninsular, the peninsular rivers have shorter, compared to their compared
टू देयर हिमालयन रिवर्स, किसकी तुलना में, हिमालयन की तुलना में, जो हिमालय से प्रवाहित होने वाली रिवर्स है उनकी तुलना में जो तो पेनिनसुलर रिवर्स है वो कैसी होती है, छोटी होती है। ठीक है, ये एक इनमें और डिफरेंस हो गया। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें आगे ये मोस्टली कहां से प्रवाहित होती है, हिमालय क्षेत्र से, और ये कहां से होगी, वेस्टर्न घाट से। मोस्ट ऑफ द रिवर्स, मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ most of the peninsular, most of the rivers of peninsular India originate in the Western Ghats, Western Ghats and flow towards towards the Bay of Bengal. Bay of Bengal. देखो क्या लिखा हुआ है कि मोस्टली जो रिवर्स प्रवाहित होती है कौन से क्षेत्र से, पेनिनसुलर क्षेत्र से, वो कहां से, वेस्टर्न घाट से। तो मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया ओरिजिनेट इन रिवर्स of peninsular India originate in the western ghats and flow और प्रवाहित होती है किसकी ओर, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में या बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होने वाली रिवर्स होती है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है, वो मोस्टली पेनिनसुलर से, मतलब प्रायद्वीप पठार की जो मोस्टली जो नदियाँ हैं वो किसकी ओर, बंगाल की खाड़ी की ओर अपना जल है वो छोड़ती है। ठीक है, तो आज हमने मोस्टली जो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम है उसको हमने दो पार्टों में डिवाइड करके उनके बारे में जो मोस्टली जो डिफरेंस अंतर थे उनके बारे में हमने आज देखा। कल हम एक एक रिवर्स के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, हिमालयन रिवर्स की जो प्रोमिनेंट जो मुख्य जो बढ़िया बड़ी बड़ी जो नदियाँ उनके बारे में, और उसके बाद में हम देखेंगे किसकी जो पेनिनसुलर की जो बड़ी बड़ी रिवर्स है उनके बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने केवल ड्रेनेज बेसिन और साथ में इनमें जो मोस्टली जो ड्रेनेज सिस्टम को इंडिया के अंदर कितने पार्टों में डिवाइड किया गया वो मोस्टली दो पार्टों में डिवाइड किया गया ये देखा, और साथ में हमने क्या देखा इनमें मोस्टली जो डिफरेंस है वो किस प्रकार का है वो डिफरेंस हमने देखा। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम फिर से इनके बारे में जैसे हिमालयन रिवर्स है उनके बारे में स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे किसके बारे में, जो पेनिनसुलर रिवर्स है उनके बारे में एक एक के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। थैंक्स।